फ्रेंड्स, दोस्तों जैसे ही नया कानून आया है, बहुत सारे कानून चेंज हो गए हैं, जिसमें कि हमारे महिलाओं को मिलने वाले बहुत से अधिकारों में भी चेंजेस आए हैं। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि जो अधिकार महिलाओं को पहले से मिले हुए थे, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और नए कानून आने के बाद में महिलाओं को नए अधिकार क्या मिले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी, जिसको अब भारतीय न्याय संहिता में धारा 85 में कन्वर्ट कर दिया गया है। दोस्तों इसमें हमें महिलाओं के ऊपर होने वाली क्रुएल्टी के बारे में बताया गया है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्रुएल्टी होती क्या है। दोस्तों क्रुएल्टी मीन्स होता है कि किसी भी व्यक्ति को मेंटली या फिजिकली टॉर्चर करना। दोस्तों सेक्शन 498 में दो तरह की क्रुएल्टी बताई गई है, नंबर 1 फिजिकल क्रुएल्टी और नंबर 2 मेंटल क्रुएल्टी। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्रुएल्टी की। फिजिकल क्रुएल्टी में ये आता है कि अगर किसी भी महिला के साथ में मारपीट की जाती है या फिर उसको इस तरह से टॉर्चर किया जाता है कि वो खुद को हार्म कर ले, या फिर उस महिला के साथ में लड़ाई झगड़ा किया जाता है पति के द्वारा या फिर पति के रिश्तेदारों के द्वारा, तो दोस्तों ये आती है हमारी फिजिकल क्रुएल्टी में। अब हम बात करते हैं मेंटल क्रुएल्टी की। दोस्तों मेंटल क्रुएल्टी में अगर हस्बैंड या फिर हस्बैंड के परिवार वाले, कोई भी व्यक्ति उस घर में जो बहू है उसके साथ में उसको टॉर्चर करता है, उसको मेंटली हरेस करते हैं, उससे दान दहेज मांगते हैं, या फिर उस महिला को दान दहेज मांगकर इस तरह से परेशान कर देते हैं, उसको हरेस करके उसको मेंटली इस तरह से टॉर्चर करते हैं कि वो महिला या तो सुसाइड कर ले या फिर खुद को कोई ऐसी चोट पहुंचा ले जो कि बहुत हार्मफुल हो। तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह से किसी महिला को टॉर्चर करता है, चाहे वो फिजिकली टॉर्चर हो या फिर वो मेंटली टॉर्चर हो या फिर उस महिला से दान दहेज की मांग की जा रही हो, तो ये सारी चीजें हमारी कवर होती है सेक्शन 498A में, जिसको अब भारतीय न्याय संहिता में 85 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो महिला के पास ये अधिकार है कि अगर किसी भी महिला को इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है तो वो महिला थाने में जा करके अपने ससुराल वालों के अगेंस्ट एक FIR लॉज करा सकती है, यानी कि वो महिला या तो पुलिस को घर पे बुला करके या फिर थाने में जा करके उन सभी ससुराल वालों के अगेंस्ट एक FIR लॉज करा सकती है, कंप्लेन करा सकती है। तो पहला अधिकार तो महिलाओं का ये है। अब बात करते हैं हम दूसरे अधिकार की। दोस्तों दूसरे अधिकार में आता है सेक्शन 323, जिसको हमें भारतीय न्याय संहिता में 115 में दिया गया है। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी को थप्पड़ मारता है, उसको पीटता है, तो यहाँ पर पत्नी के पास ये अधिकार है कि वो पत्नी थाने में जाकर के उस व्यक्ति के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती है, जो कि धारा 323 ऑफ आईपीसी और 115 ऑफ BNS में आती है। ये महिला के पास दूसरा अधिकार है। अब हम बात करते हैं अगले अधिकार की। अगर कोई भी हस्बैंड अपनी पत्नी को जान से मारने की धमकी देता है या फिर उसके ऊपर ऐसा कोई अटैक कराने की बात करता है जिससे उस महिला की डेथ हो सकती है या फिर उस महिला को जान का खतरा हो, तो ऐसे में भी उस महिला के पास ये अधिकार है कि वह महिला अपने हस्बैंड के अगेंस्ट सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 351 ऑफ BNS में अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती है। ये महिला के पास एक और अधिकार है। अब हम बात करते हैं अगले अधिकार की, जिसमें आता है 406। जैसे कि हस्बैंड और वाइफ में या फिर ससुराल वालों में लड़ाई झगड़ा होता है, तो ससुराल वाले या हस्बैंड क्या करते हैं कि महिला को घर से बाहर निकाल देते हैं और उसका जितना भी स्त्री धन होता है वो सब अपने पास रख लेते हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ का स्त्री धन अपने पास रखता है या फिर ससुराल वाले अपनी बहू का स्त्री धन अपने पास रख करके उसको घर से निकाल देते हैं, तो ऐसे में भी उस महिला के पास ये अधिकार है कि वो अपने धन को अपने पास लेने के लिए अपने हस्बैंड और अपने इन-लॉज के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकती है और अपना पूरा का पूरा स्त्री धन अपने ससुराल वालों से वापस ले सकती है। अब हम बात करते हैं एक और अधिकार की, जिसमें आता है मेंटेनेंस। दोस्तों अगर कोई भी हस्बैंड अपनी पत्नी का या अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर रहा है, उनको खर्चे के लिए पैसे नहीं दे रहा है, तो ऐसे में वह महिला अपने हस्बैंड के अगेंस्ट 124 ऑफ CRPC, जिसको अब 144 ऑफ CRPC में कन्वर्ट कर दिया गया है, वह किसी भी मजिस्ट्रेट के पास में एक कंप्लेंट फाइल कर सकती है, जिसमें वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, और ऐसे में वो हस्बैंड मेंटेनेंस देने से बिल्कुल भी नहीं बच सकता है, और अगर वो हस्बैंड मेंटेनेंस पे नहीं करेगा तो उसको जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों महिला के पास सेक्शन 125 में मेंटेनेंस लेने का अधिकार है। अब हम आगे बात करें तो महिला के पास हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में भी अपना मेंटेनेंस लेने का अधिकार होता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नी के अगेंस्ट डिवोर्स डाल देता है, अब ऐसे में पत्नी अपना
जो रिप्लाई फाइल करेगी उसी में सेक्शन 24 की एक एप्लीकेशन लगा सकती है, जिसको हम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन बोलते हैं, और उसी एप्लीकेशन के थ्रू उस महिला को हिंदू मैरिज एक्ट में भी मेंटेनेंस मिलेगा। उस एप्लीकेशन के थ्रू महिला अपने हस्बैंड से उसी के द्वारा डाले गए केस के रिप्लाई को फाइल करने के लिए भी अपने लिए मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, और ऐसे में महिला को मेंटेनेंस दिया भी जाता है। अब हम आगे बात करें, महिलाओं के लिए एक अलग से कानून भी बना हुआ है, जिसको हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं। इसमें एक धारा है सेक्शन 12। दोस्तों, अगर कोई भी इन लॉज किसी भी महिला के साथ में मारपीट करता है, क्रुएल्टी करता है, उसके साथ घरेलू हिंसा करता है, उसको किसी चीज के लिए प्रताड़ित करता है, उससे दान दहेज की मांग करता है, या किसी भी तरह के उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की जाती है, तो वह महिला डीवी एक्ट के सेक्शन 12 के अंडर जा करके अपनी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को कर सकती है, और ऐसे में मजिस्ट्रेट उस कंप्लेंट के ऊपर काम करके जो इनलॉज है जो उस महिला के साथ क्रुएल्टी कर रहे थे, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा कर रहे थे, वो कंपनसेशन देना होता है। अब दोस्तों, हम आगे बात करते हैं, अगर कोई महिला अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती है तो ऐसे में महिला के पास राइट है कि वो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13A में अपनी कंप्लेंट कोर्ट में फाइल करके अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है, और अगर कोर्ट को उस महिला की बात सही लगती है, रीजन जेन्युइन लगता है, तो उस महिला को इजीली अपने हस्बैंड से डिवोर्स भी मिल जाएगा। तो ये भी महिला के पास एक अधिकार है कि वो अपने हस्बैंड के द्वारा की गई क्रुएल्टी को सहन ना करें, और अगर अपने हस्बैंड से अलग रहना चाहती है तो वो रह सकती है। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 10 की, जिसमें सेपरेशन की बात कही गई है, यानी कि अगर महिला अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं लेना चाहती लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ भी नहीं रहना चाहती है सेम उसी घर में जिस घर में हस्बैंड रहता है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ में ना तो कोई रिलेशन रखना चाहती है और ना ही वो किसी तरह का कोई व्यवहारिक कर्तव्य पूरा करना चाहती है, तो ऐसे में महिला हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर सेक्शन 10 में एक पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकती है, जिसको हम जुडिशियल सेपरेशन बोलते हैं, यानी कि वो डिवोर्स लिए बिना ही एक दूसरे से अलग रहते हैं और वो एक दूसरे के प्रति जो ऑब्लिगेशंस है मैरिज से रिलेटेड वो कोई भी पूरा नहीं करते हैं, जिसको हम जुडिशियल सेपरेशन बोलते हैं। दोस्तों, जुडिशियल सेपरेशन डिवोर्स से बेटर होता है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो डिवोर्स हो जाने पर बच्चे या तो माता के पास रहते हैं या फिर अपने फादर के पास रहते हैं, ऐसे में बच्चों का की मानसिकता पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो अगर जुडिशियल सेपरेशन होता है तो पेरेंट्स साथ में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, और बच्चे भी साथ में रहते हैं। अब हम दोस्तों आगे बात करते हैं एक और अधिकार की, जिसको हम सेक्शन 9 का अधिकार बोलते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी हस्बैंड अपनी पत्नी को बिना बताए कहीं चला जाता है, बिना किसी रीजन के छोड़ के चला जाता है, और ऐसे में वाइफ के पास ये अधिकार है कि वो कोर्ट में सेक्शन 9 की पिटीशन फाइल कर सकती है और अपने हस्बैंड को कोर्ट में बुला करके कोर्ट के थ्रू ये मांग कर सकती है कि वो अपनी वाइफ के साथ रहे और अपने बच्चों के साथ रहे, क्योंकि जब तक हस्बैंड कोई जेन्युइन रीजन अपनी वाइफ के पास से जाने का नहीं बताएगा तो कोर्ट उसको डायरेक्ट करेगी कि वो अपनी वाइफ के साथ रहे, अपने बच्चों के साथ रहे। तो दोस्तों, ये सारे अधिकार है जो हमारे कानून में महिला को मिले हुए हैं। तो दोस्तों, महिला हो या पुरुष हो, दोनों को ही अपने अधिकार और अपने ऑब्लिगेशंस पता होने चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।